अच्छा इधर लाइट भी चलती है। ओह माय गॉड, तो देखो शीशे में यहाँ लाइट का सिस्टम। बाय बाय बाय, चल बैठ चल। और तो ये उनके लगता है सुंदरता का राज यही है, जॉनसन्स बेबी। नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? तो मनीषा जी से पूछूं, आपका दिल खोल के स्वागत करती हूँ। तो आप भी आज सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया, तो अभी हम पहुँचे हैं अपनी ननद के वहाँ, बड़ी ननद के वहाँ। तो यहाँ हम मिलवाते हैं अपनी भांजी जी से। तो हमारी भांजी कुछ बना रही है, हलवा बना रही है। तो ये आज भैया स्पेशल हलवा बना रही हैं। काय का है ये? सूजी का। तो सूजी है और वो भैया पता नहीं क्या क्या मटेरियल है, वो यही बताएंगी। वो नारियल का है। और हमारे साथ आई है सानिया। बादाम है। कब क्या बन रहा सानिया? पता नहीं, बोल रहे थे सूजी का हलवा बना रही है और क्या कहते हैं लड्डू, ये नारियल है मिक्स में। तो ये नारियल है और ये पता नहीं काका है, बादाम, और ये पता नहीं क्या है, यही बताएंगी। गरिमा बताएंगी, गरिमा क्या बना रही हो? सूजी का हलवा और नारियल के लड्डू। सूजी का हलवा और नारियल के लड्डू बन रहे हैं। तो हम जा रहे हैं आज सगाई में, और सगाई में बीच में ही अटक गए हैं। तो ननद जी के यहाँ रुक गए हैं और बज गए हैं एक, और ये बू है क्या कहते हैं, इसमें चाय रख के देते है नी? नहीं नहीं, अजीब गरीब सामान है। हाँ ये ऐसे तोप के, हम कहाँ तोप के देते, हम तो ऐसे ही। तो ये देखो ऐसे तोपने वाला है, जल्दी आओ, बहुत सारी चीज है घर में। तो भाई दच्छू, दच्छू भी आई है हमारे साथ। ये लो, क्या है दच्छू? ऐसी बिस्किट पहली बार देखी दच्छू है। तो दच्छू भी आई है सगाई में जाने के लिए। और कितने देर है पहुँचेंगे? 2:30 बजे जाना है। और कोई प्लान नहीं था, तो सोनू और मैं आए, और दच्छू के पापा नहीं आए, तो फिर हम आए वो उनके साथ से, क्या कहते हैं, जो हमारे जीजा जी हैं, चारू बेटा वाले जीजा जी हैं, उनके साथ आए। और ये हम आए हैं ग्राम बनकटिया में। बनकटिया में बड़ी नंद हमेरी 5 नगर है, आपको तो पता ही होगा, तो एक नगर बनकटिया की है। तो यहाँ फिर पहुँचे हैं, पता नहीं सगाई में कब पहुँच पाएंगे। तो सगाई में वैसे भैया लोगों को जाना था, पर हमने सोचा सोनू और मैं ज़रा नए नए रिश्तेदारों में जाके हमको ये पहचाने लोग कि हमारे रिश्तेदार हैं। तो सोनू ने प्लान बनाया है कि अब सारे रिश्तेदारों में हम जाएंगे घूमने। हाँ तो अब सानू, हाँ तो बस फालतू लोगों का यही काम होता है, इधर उधर रिश्तेदारों में जाओ और दावत खाओ। तो अभी यहाँ आए हुए हैं, अब देखते हैं वहाँ क्या बन रहा है, बना रही है। हाँ, गरिमा की स्पेशल डिश। और यहाँ इनका किचन है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सही बताऊँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कि खुशबू को मैं अब का ही बताऊँ यार, बहुत अच्छी है। यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, यहाँ पे हाथ धुलने के लिए है इनका। हाँ अच्छा, इधर लाइट भी चलती है। ओह माय गॉड, तो देखो शीशे में यहाँ लाइट का सिस्टम भी है इसके अंदर से, तो यहाँ से ऑन ऑफ होती है। नए नए रौले हैं भैया, नए नए लोगों के हैं, तो यहाँ पे मतलब लाइट का सिस्टम है शीशे के अंदर, तो इसको करते हैं बंद। और यहाँ बाथरूम है, इस साइड में बाथरूम है। अब बाथरूम को भी क्या दिखाना, यहाँ बाथरूम है और यहाँ पे ननद जी का घर है। तो हम तो कमी इतना आना जाना नहीं हो पाता है, कुछ फंक्शन होता है तभी आते हैं, और या इधर उधर से कहीं जाते हैं तभी आते हैं। तो देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं। हमारे भांजे का कमरा, ओह माय गॉड, तो भांजे को यहाँ दिखाते हैं, यहाँ का नया नया सीन है। साउंड है भैया, यहाँ साउंड है। तो भांजी का रूम दिखाऊं मैं आपको, हमारे भांजी की लाइट देखो, लाइट लगा रखी है, और अच्छा ऊपर लगी हुई लाइट, और ऐसे पत्तियां लगा रखी हैं। और हमारे भांजी का जी का शौक देखो, ऐसे खिलौने भी लटका रखे हैं यहाँ पर। हाँ तो यहाँ खिलौने लगे हैं, और कपड़े देखिए, खोपड़ी में ऐसे करना अपनी, बड़ा मज़ा आता है जैसी ऐसे ऐसे मजा आया। उसकी चुटिया बनी हुई है ना, पूरा 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 ऐसे चले जाता है अंदर।
अरे ऊपर से करना, ऊपर से ऐसे करके मजा आ रहा हो? अपना एक्सप्रेशन तो दिखा, कितना मजा आ रहा दिखा रहा। डब साबुन परफ्यूम और ये देखो टेडी बेबी जॉनसन, यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है, भाई है ना, भाई अरे वो बच्चे ही हैं, वो बहुत चीज़ इस्तेमाल करते हैं देखो। और तो ये उनके लगता है सुंदरता का राज यही है, जॉनसन बेबी। तो हम दिखाते हैं आपको भी यहाँ मशरूम की खेती। तो दच्चू यहाँ पे हमारी ननद जी ने इसे मशरूम की खेती भी कर रखी है यहाँ पर। तो देखिए मशरूम कितने अच्छे से हो रही हैं, ये नीचे भी लगी हैं। तो यहाँ देखो कितने अच्छे से मशरूम उग रही हैं, अभी हुई नहीं है, छोटी छोटी उग रही हैं और यहाँ भी लगी हुई हैं देखो। हाँ तो ना बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ, मशरूम ना घर पे ही खा लो, रिश्तेदार आए तो थोड़े तोड़ तोड़ के, मतलब कहीं जाने, अब वैसे 120 रुपये किलो हमारे यहाँ मिलती है, कहीं पे 100 रुपये किलो, तो यहाँ पे हो रही हैं। तो जब हो जाएंगी ना तो किसी को चाहिए ना तो बता देना, यहीं से आप ताज़ी ताज़ी मशरूम, हाँ ताज़ी ताज़ी मशरूम यहाँ से लेके खा सकते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हो रहा है दूध गर्म और इसमें बिल्कुल सूजी, सूजी वो कर लिया है घी में, क्या कर लिया है सूजी कौर लिया है, हिंदी में क्या कहता है, अरे फ्राई कर, हाँ ये सूजी है, ऐसे है ना हमें थोड़ा हिंदी थोड़ा अच्छे से आती नहीं है, तो ये सूजी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और उसमें बना रही है ये चाय और ये सूजी, अब सूजी सूजी का हलवा। तो ये देखो हमारी ननंद ने बनाए हैं ये ट्रे, और ये कहाँ है जैसे सामान रख लो कुछ भी, मेकअप को रख लिया मैं, ट्रे दोनों हिलाना चुंजना मैच में ना, हाँ ऐसे करके ना करते हाँ, तो देखो सानू क्या आनंद। तो हलवा बनके तैयार है, कतई बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और यहाँ कटोरियाँ भी लग गई हैं, अब खाएंगे हम हलवा। मुर्गा बचकन कब खा मिला सगाई में, पता नहीं कब पहुँचेंगे यहाँ, हलवा खा के काम चलाना पड़ेगा। मैं कहा से लगाऊँ, तुम सिर्फ हो कार में तो जा रहे, कार में भर ले जाइयो खा जाइयो।
बंद करो, बंद करो दरवाजा, धक्का दे दे धक्का जोर से। तो अभी पहुंच गए हम घर, घर नहीं फिर से दीदी के वहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि यहीं से हम बड़ी गाड़ी में गए थे, कार में गए थे तो यहीं से उतरे। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अभी खाना, क्योंकि खाना बना के जाएंगे, क्योंकि जीजा लोग खाना खा के नहीं आए थे का, तो दीदी ने कहा खाना बनाना, मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ। तो यहाँ किचन दूसरों का है मतलब, तो यहाँ कुछ चीज़ों का ना पता क्या वो, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है खाना बनाने में। तो यहाँ बनना है खाना, खाना खा के निकलेंगे घर। तो यहाँ बना रहे हैं सब्जी और लोग बाग गूंद रहे हैं आटा। तो ये रोटी बनाने वाले हैं और इसने बन रहा है चावल, ये मांगे सब्जी। तो यहाँ बन रही है रोटियाँ स्पेशल, तुम्हारी गरिमा की रोटियाँ देखिए, छोटी हैं साइज में मत जाना, साइज में छोटी हैं, वैसे बहुत बढ़िया है। नहीं हम खाए थे बस दिखा नहीं पाए थे। तो नारियल के लड्डू बने हैं ये, बहुत अच्छे स्वादिष्ट, मैं पहले ही खा ली दो लड्डू, पहले ही खा ली थी मैं। चलो खा के बता कैसा है, पहले ही खा ली ये स्वाद, अब एक घंटा बाद बता के जाओ। और खाना पीना हमारा हो गया है, अब चलते हैं घर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं और कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। तो अभी